स्वागत है आप लोगों का एक और नए ट्रैवल ब्लॉग में, एक और नए जर्नी में। और आज हम जहाँ का सफ़र करने वाले हैं वो आता है भाई 52 शक्तिपीठ में से एक, जहाँ हम जाने वाले हैं विंध्याचल। और हम जिस ट्रेन से जाने वाले हैं उस ट्रेन का नंबर है 09020 और ट्रेन का नाम है IPR फेस्टिवल स्पेशल। और बाकी जो भाई इसका मतलब प्रॉपर नेम है वहाँ जाके मैं स्टेशन पर जाके आप लोगों को बताता हूँ। और आज ये हमारी जर्नी शुरू होने वाली है। और यार आप लोग ट्रेन ब्लॉग्स तो देखते हो यार, ट्रैवल ब्लॉग्स नहीं देखते हो? ट्रैवल ब्लॉग्स पे काफ़ी कम लोग ही आते हैं, तो यार ट्रेन ब्लॉग्स के साथ साथ ट्रैवल ब्लॉग भी देखो। इसी चैनल पे ट्रेन ब्लॉग भी आएगा, ट्रैवल ब्लॉग भी आएगा। और भाई अभी तक मैंने सामान कुछ पैक नहीं किया है, दोपहर के भाई 4 बज चुके हैं और आज की हमारी ट्रेन है 9:04, मतलब 9 बजे के आसपास की है। नई दिल्ली से ही खुलती है वो, तो हम मेट्रो से जाएंगे या कैसे जाएंगे आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। और भाई मैंने अभी तक सामान कुछ नहीं सरिया है, मैंने पहले ही बता दिया भाई, सारा सामान मैंने इधर उधर मतलब बिखेर रखा है। अभी जल्दी से सामान पैक करते हैं, उसके बाद भाई जो भी मेरा काम वाम होगा वो मैं निपटा लूँगा, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे शाम के वक्त। भाई ट्रेन से 1-2 घंटे पहले ही हम लोग निकल जाएंगे। और वहाँ पे भाई मिर्ज़ापुर भी हम लोग जाने वाले हैं, जहाँ पे भाई काफ़ी कम टूरिस्ट जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा वो अभी टूरिस्ट के माहौल में उभरा नहीं है कि हाँ भाई वहाँ बंदे घूमने जाए। तो हम वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ पर 2-3 वाटरफॉल है काफ़ी अच्छे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। भाई पिक्चर्स में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं वहाँ पहुँचने के बाद हमें कैसा नज़र आएगा कि मतलब हाँ भाई वो सही में मतलब उतना अच्छा है या नहीं है। लेकिन एक बात है कि वहाँ पे टूरिस्ट भाई बहुत कम जाते हैं, तो वहाँ पे भी एक बार ज़रूर जाना, हम आपको लेके चलेंगे वहाँ पे और दिखाएंगे कि कैसा माहौल है मिर्ज़ापुर में मतलब घूमने का। वहाँ पे वैसे मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स देखे थे, काफ़ी कम ही लोग वहाँ पे जाते हैं भाई, जो भी ब्लॉगर कहता है कि मतलब काफ़ी कम ही बंदे वहाँ पे जाते हैं। तो सोचा भाई इस बार वहीं पे निकल के हम लोग देखते हैं, नहीं तो मैं भाई जयपुर का प्लान कर रहा था। लेकिन अब हम विंध्याचल जा रहे हैं, एक दिन विंध्याचल में रहेंगे और वहीं पे नाइट स्टे करेंगे या फिर मिर्ज़ापुर में आके नाइट स्टे करेंगे। वैसे मैं बता दूँ मिर्ज़ापुर में ही पड़ता है विंध्याचल, चाहे तो हम विंध्याचल में रुकेंगे चाहे तो मिर्ज़ापुर में रुकेंगे, जहाँ पर भी रुकेंगे भाई आप लोगों को अपडेट हम देते रहेंगे। और उसके अगले दिन हम मिर्ज़ापुर भी घूमने जाएंगे, मतलब 30 तारीख है आज, आज रात की हमारी ट्रेन है और कल सुबह हम वहाँ पहुँच जाएंगे 1 तारीख को। और 1 तारीख को हम पूरा विंध्याचल घूमेंगे, 2 तारीख को हम लोग मिर्ज़ापुर निकलेंगे, मतलब जहाँ मैंने आपको बताया था कि टूरिस्ट बहुत कम आता है। वैसे विंध्याचल में भाई बहुत टूरिस्ट आता है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे, तो आप लोगों को वहाँ पे भी लेके चलेंगे। जो वहाँ का मतलब 3 मेन मंदिर है, आगे आप लोगों को पता चलता रहेगा, अभी बता दूंगा तो भाई सारा मजा आप लोगों का यहीं पर किरकिरा हो जाएगा। बस भाई ये सारे सामान अभी पैक करने हैं जल्दी जल्दी से बैग में। आ गए भाई हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और अपनी ट्रेन खुल चुकी है बिल्कुल टाइम पे। हाँ भाई मैंने कुछ भी जानकारी नहीं दी है क्योंकि हम यहाँ 5-10 मिनट पहले ही पहुँचे थे। अपनी ट्रेन आ चुकी है भाई अपने फर्स्ट होल्ट अलीगढ़ जंक्शन में, जिसका स्टेशन कोड है ALJN। और यहाँ पे भाई 50 मिनट डीले पहुँचाया इसने अपने फर्स्ट होल्ट में। और मैंने भाई आपको नई दिल्ली में कुछ भी जानकारी नहीं दी थी, और मैंने जो ट्रेन का नंबर शुरुआत में बताया था वो भाई गलत बता दिया था जल्दबाजी के चक्कर में। जो ट्रेन नंबर है वो है 02872 और इस ट्रेन का नाम है IPR फेस्टिवल स्पेशल, जो कि इस्लामाबाद तक जाएगी। आज ये स्टार्ट हुई है, कल आपको दोपहर 3:55 तक इस्लामापुर पहुंचा देगी। मैंने लोकोमोटिव भी इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि भाई हम स्टेशन खुलने के ठीक 5-10 मिनट पहले ही
अपनी जगह पे पहुंचे थे भाई, उसमें भी कुछ टंटाला हो गया, बंदे आके बैठ गए थे सीट पे तो उन्हें हटाया था। अपनी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है। अपनी ट्रेन आ चुकी है अपने सेकंड होल्ड पे टुंडला जंक्शन। यहाँ पे इसका पहुँचाने का टाइम था 12:23 का, लेकिन ये यहाँ पे आई है 1:03 पे। ट्रेन अपनी काफ़ी डिले चल रही है और यहाँ पे अपना 2 मिनट का स्टॉपेज है। हम इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं सेकंड क्लास में। आप लोगों को अभी भी उसका टूर सुबह उसका टूर दूंगा मैं आप लोगों को। यह भाई इटावा जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है ETW। यहाँ पे पहुँचाने का समय था 1:43 पे और यहाँ अपना 2 मिनट का स्टॉपेज था, लेकिन अपनी ट्रेन भाई अभी भी आधे घंटे लेट चल रही थी। इससे पहले फिरोजाबाद का स्टेशन आया था जिसका स्टेशन कोड था FZD। वहाँ पर भी अपनी ट्रेन करीबन आधा घंटा लेट ही पहुँची थी और मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ आप लोगों को खाली बताने के लिए, क्योंकि बीच में मेरी आँख लग गई थी जिस वजह से मैं फिरोजाबाद को कवर नहीं कर पाया था। जैसे ही मेरी आँख खुली जब तक अपनी ट्रेन इटावा से निकल चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा जब तक क्रॉसिंग कर लेता हूँ बाद में वॉइस ओवर करके आप लोगों को बता दूंगा। अपनी ट्रेन आ चुकी है अपने नेक्स्ट होल्ड पे जिसका स्टेशन है स्टेशन कोड है CNB कानपुर सेंट्रल। यहाँ पे भाई पहुँचाने का टाइम था 3:40 का और यहाँ पे अपना स्टॉपेज है 5 मिनट का और अभी अपनी ट्रेन चल रही है 43 मिनट डिले। कानपुर सेंट्रल के बाद भाई नज़ारा देखने लायक था ट्रेन का। जिस तरीके से सूरज भाई उगता जा रहा था काफ़ी मज़ेदार, धीरे धीरे शॉट लिए जा रहा था, शायद आप लोगों को पसंद आएगा। जो शॉट थे भाई काफ़ी हल्के हल्के मैंने लिए थे तो देख लेना यार, काफ़ी ज़्यादा ले लिए मेरे ख्याल से। तो भाई कानपुर सेंट्रल के बाद काफ़ी अच्छी हवा भी चलने लगी थी, मतलब जैसे हम अंदर घुसे कानपुर के बाद से एकदम मतलब मौसम बदलता गया था, एकदम भाई सुहावना सा मौसम हो गया था। और ये देखो भाई नज़ारे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे, इससे भाई देखने के बाद कोई भी बंदा मना नहीं कर पाया कि हाँ भाई नज़ारा अच्छा नहीं था। और भाई इसके बाद खाली हमारा एक ही स्टेशन रह गया था प्रयागराज, उसके बाद हम सीधा अपने गंतव्य विंध्याचल में पहुँचने वाले थे। तो मैंने सोचा थोड़े से शॉर्ट
ले लेता हूँ। और ट्रेन भाई काफ़ी ज़्यादा सही चल रही थी, लेकिन अपनी ट्रेन फिर भी भाई हर जगह कम से कम कहीं आधा घंटा कहीं 45 मिनट हमेशा लेट ही चली है। कभी भी ये मगध एक्सप्रेस टाइम पे नहीं चली है, लेकिन फिर भाई मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को दिखाने की। अगर मैं वॉशरूम और वॉश बेसिन की बात करूँ तो भाई आप लोगों ने रात में देख लिया होगा 2S का मैंने क्या नज़ारा दिखाया था कि सब जहाँ मर्जी वहाँ सो रहे थे, जिस वजह से मैंने कहा भाई जाना बेकार है, क्योंकि जो भी बंदा वॉशरूम में घुसता है खाली गेट खोल के छोड़ रहा था, तो भाई मैं समझ गया था काफ़ी गंदा हुआ पड़ा है, तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं। और वॉश बेसिन में भाई गुटखा वुटका सब कुछ थूक थाक के हर किसी बंदे ने बराबर कर रखा था, तो मैं सोचा बाद में बता दूंगा आप लोगों को, तो मैं अभी बता रहा हूँ। बाकी भाई आप लोग इन्जॉय कीजिए सफ़र, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना, और भाई जैसे आप लोग ट्रेन ब्लॉग देखते हो वैसे या ट्रैवल ब्लॉग्स भी देखा करो। अपनी ट्रेन आ चुकी है भाई अपने नेक्स्ट होल्ड पे, जिसका स्टेशन कोड है PYRJ, स्टेशन का नाम है प्रयागराज जंक्शन। इसका यहाँ पे टाइम था पहुँचाने का 6:20 का, लेकिन अपनी ट्रेन अभी आधे घंटे डिले चल रही है और यहाँ पे इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। अपना कोच था ये एकदम लास्ट वाला, इसके बाद एक और ये कोच था। हेलो भाई, पहुंच गए अपने गंतव्य विंध्याचल पे, जिसका स्टेशन कोड है PDL है यहाँ पे इसका स्टेशन कोड, और यहाँ पे हमें पहुँचाने का टाइम था 7:27 का, लेकिन हमारी ट्रेन आई है भाई यहाँ 35 मिनट डिले। अब हम जा रहे हैं आगे की ओर, ट्रेन का जर्नी हमारा यही तक था। अब आप लोगों को आगे के ब्लॉग्स मिलेंगे, ट्रैवल ब्लॉग्स, जैसे आप लोग ट्रेन ब्लॉग्स देखते हो वैसे ही आप ट्रैवल ब्लॉग्स भी देखा करो।